बच्चों, मैं आप लोगों को ग्रीन एनर्जी के बारे में थोड़ा बताऊंगा और बिजली उत्पन्न करने के विभिन्न साधन और उसमें से जो ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस हैं और उसमें दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या क्या काम हुआ है और हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगा। हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप सब जानते हैं कि ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है। हम ना तो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड। हाउएवर, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सबने पढ़ा होगा कि जनरेटर से बिजली उत्पन्न करते हैं तो बिजली उत्पन्न नहीं करते हैं, जनरेटर कुछ उत्पन्न नहीं, जनरेटर का जो नाम है वो गलत पड़ा हुआ है, वो जनरेट नहीं करता, वो खाली कन्वर्ट करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? विच कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक साधनों से हमको मिलती है, जैसे सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स या लहरें, और जियोथर्मल हीट, जो भूगर्भ में चट्टाने, गरम गरम चट्टाने हैं, उनकी ऊष्मा को यूज करना। तो ये जो है नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो जाती हैं, ये अपने आप दोबारा बन जाती हैं। जैसे सनलाइट है वो हमेशा रहती है, हवा है वो हमेशा रहती है, तो इसके सोर्सेस कभी खत्म नहीं होते हैं। अबाउट 16% ऑफ ग्लोबल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल। जो जितना हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उसमें से 16% हमको रिन्यूएबल सोर्सेस से प्राप्त होता है आजकल। और उस रिन्यूएबल एनर्जी में बिजली उत्पन्न करने के लिए करीब 19% ऊर्जा जो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेते हैं उसमें से 19% बिजली उत्पन्न करने के लिए लेते हैं। और जो 19% हम बिजली उत्पन्न करने के लिए लेते हैं उसमें से भी जो 16% है वो हाइड्रो पावर प्लांट से आती है, जो कि हम नदियों पे बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करते हैं वहां से आती है। और 3% जो है वो न्यू रिन्यूएबल्स कहते हैं। रिन्यूएबल को हिंदी में नवीकरणीय बोलते हैं। तो न्यू रिन्यूएबल्स में फोटोवोल्टाइक पैनल्स आ जाते हैं आपके, विंड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स होते हैं, ये चीजें न्यू रिन्यूएबल्स में आती है, बायोमास हो गया। फॉसिल फ्यूल्स जो हम पिछले 300-400 सालों में यूज करते आए हैं जो ऊर्जा के साधन है वो है कोयला और ऑयल या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो आज का जो आप दुनिया देख रहे हैं ये सारी दुनिया सिर्फ इन्हीं संसाधनों की वजह से बन पाई है, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जितने हमारे परिवहन के साधन हैं वो सब पेट्रोलियम से चलते हैं, जितने हमारे बिजली घर हैं वो कोयले से, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से चलते हैं ज्यादातर। और जितना भी एडवांसमेंट आप लोग देख रहे हैं, जितनी लग्जरीज आपको मिली हैं, वो सब इन्हीं संसाधनों की वजह से मिली हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिजली कैसे बनती है जनरेटर में। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को घुमाते हैं तो वोल्टेज उत्पन्न होती है। फैराडे का नियम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है ना। तो हम बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, उसको घुमाते हैं, वो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब ये गतिज ऊर्जा हम किस प्रकार से दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह के पावर प्लांट्स हैं। विभिन्न प्रकार के जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से हम ये गतिज ऊर्जा देते हैं। जैसे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है जिनको हम थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं, इसमें कोयले को भट्टी में डाला जाता है। ये एक भट्टी है जिसमें कोयले को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है कोयला, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा से पानी को वाष्प में बदलते हैं, स्टीम में बदलते हैं। ये स्टीम जाके स्टीम टरबाइन को चलाती है, स्टीम को प्रेशर के साथ
टरबाइन के ब्लेड्स पे छोड़ा जाता है तो वो टरबाइन घूमती है। जब वो घूमती है तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये यांत्रिक ऊर्जा, ये टरबाइन जो है जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड रहती है, तो जब ये टरबाइन घूमती है तो जनरेटर के अंदर कॉइल घूमती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो विद्युत ऊर्जा हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए एक स्टीम टरबाइन का फोटोग्राफ है जिसमें ये ब्लेड्स हैं। इन ब्लेड्स पर जब स्टीम प्रेशर के साथ छोड़ी जाती है तो ये टरबाइन घूमने लगती है। तो उस तरह से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक और ये फोटो है, इसमें यहां से स्टीम आया, आके इस टरबाइन के ब्लेड्स पे पड़ा तो ये टरबाइन घूमी। इस टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर का जो रोटर होता है और वो कॉइल घूमती है, उस कॉइल को घूमने से बिजली उत्पन्न होती है जो कि हम यूज करते हैं। ये एक डीजल जनरेटर है, जैसा जनरेटर्स आप लोग देखते हैं दुकानों में, घरों में लगे रहते हैं छोटे डीजल। इसमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम डीजल इंजन का उपयोग करते हैं, उसमें डीजल डालते हैं, डीजल इग्नाइट करते हैं, उससे जो है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे हम अल्टरनेटर को घुमाते हैं। तो यहां पर फ्यूल यूज करते हैं हम डीजल। ये फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड डेड ऑर्गेनिजम्स। जो वनस्पतियां होती हैं ये दब जाती हैं, मतलब मिट्टी की लेयर इसके ऊपर आती जाती है, चट्टाने और चट्टानों की लेयर्स आ जाती हैं और वो दब जाती हैं, वहां ऑक्सीजन का अभाव रहता है और ऐसे में उसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वो फाइनली कोयले या पेट्रोलियम में बदल जाती हैं। लेकिन इस प्रोसेस को पूरा होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। तो आप ये समझिए कि जो भी पेट्रोलियम या कोयला हम यूज करते हैं उसको बनने में लाखों साल लगे हैं। लाखों साल पहले जो वनस्पतियां समुद्र में नीचे तलहटी में दब गई थी वहां से पेट्रोलियम बना, और जो चट्टानों के बीच में दब गई वहां से कोयला बना। वो कोयले की खानों में से या समुद्र में से हम पेट्रोलियम वगैरह निकाल के हम यूज करते हैं। तो इनके जो भंडार हैं वो सीमित हैं, और पेट्रोलियम कोयला बनाने के लिए लाखों साल लगेंगे। तो हम नया पेट्रोलियम और नया कोयला अब नहीं बना सकते, जो भंडार हमारे पास है वो यूज कर रहे हैं। तो पिछले 300-400 साल से हम खूब यूज कर रहे हैं इसको, तो अब ये जो है काफी कम होते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। 18वीं सदी से पहले लोगों को ये फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोलियम आदि यूज करना नहीं आता था, तो उस समय वो लोग विंडमिल्स यूज करते थे, पवन चक्कियां यूज करते थे और लकड़ी जलाकर ऊष्मा पैदा करते थे। लेकिन फिर 19वीं सदी में इंटरनल कंबशन इंजन बना। इंटरनल कंबशन इंजन, जो पेट्रोल और डीजल इंजन जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये इंटरनल कंबशन इंजन है। जब ये इंजन बने तो हमारे पास सारे परिवहन के साधन आ गए, कार्स आ गई, ट्रेन्स आ गई, हमारे पास एरोप्लेन्स आ गए और उसके अलावा बिजली आ गई, और इन चीजों से काफी विकास हुआ। लेकिन उस विकास के चलते हमने इनको इतना ज्यादा यूज किया कि हम भूल गए कि इनके भंडार सीमित होते हैं। तो एक एस्टिमेट के अनुसार अगर हम इसी रेट से कोयला यूज करते रहे तो अगले 150 साल में कोयला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऑयल करीब 43 साल में ऑयल खत्म हो जाएगा। ऑयल खत्म हो जाएगा तो आपकी सारी कार्स, परिवहन के सारे साधन रुक जाएंगे। नेचुरल गैस 61 इयर्स में ये खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज जो हम लोगों ने नेग्लेक्ट की वो ये थी कि जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये फॉसिल
फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो इसमें से कई हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं। उसके अलावा सल्फ्यूरिक कार्बोनिक नाइट्रिक एसिड्स भी बनते हैं उस धुएं में, जो धुआं निकलता है पावर प्लांट्स में से और अपनी कार्स में से, उसमें ये एसिड्स भी होते हैं जो कि वातावरण में फैल जाते हैं और जब फिर बारिश होती है तो उस बारिश के साथ वो एसिड्स नीचे जमीन पर भी आते हैं और उससे सारे पेड़ पौधों पर और पशु पक्षियों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। उसके अलावा इसमें से जो गैसेस निकलती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, ये सारी गैसें निकलती हैं। ये गैसें क्या करती हैं कि जो सनलाइट में जो ऊष्मा होती है उसको ग्रहण कर लेती हैं और नॉर्मली क्या होता है कि सनलाइट यहां पड़ती है और इसमें से काफी सारा पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चला जाता है, वातावरण से बाहर निकल जाता है। ये गैसें उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वातावरण के बाहर नहीं जाने देती हैं, तो वातावरण का तापमान बढ़ने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से पृथ्वी की सतह का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो ये एक और हानिकारक प्रभाव है इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने का। कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स से कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है और हम लोग फॉसिल फ्यूल्स इतने ज्यादा यूज करने लगे कि एक साल में करीब 21.3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पैदा करते हैं इन प्रोसेसेस से, जबकि प्राकृतिक साधनों के सहायता से खाली 10.65 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेड़ जो हैं दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, तो इन साधनों की सहायता से हम खाली करीब जितना हम जनरेट कर रहे हैं 21 बिलियन टन, उसमें से सिर्फ आधा ही हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रह जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सारे हानिकारक प्रभाव हैं उन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के, जिन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हमने इतनी तरक्की की है। तो अब ये समय आ गया है कि हम उन फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर और बेटर साधन निकालें, अच्छे साधन निकालें, तो इसलिए अब हम ग्रीन एनर्जी की ओर जाते हैं। एक और तरीका पावर जनरेशन का है न्यूक्लियर पावर, जिसमें हम नाभिकीय ऊर्जा को यूज करते हैं और न्यूक्लियर पावर जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यूरेनियम और प्लूटोनियम आदि की सहायता से उस न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से हम बहुत सारी ऊष्मा जनरेट कर सकते हैं और उस ऊष्मा से हम लोग ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें फिशन प्रोसेस होता है, उससे हम पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं उस ऊष्मा से और उस स्टीम से टरबाइन चलाकर हम बिजली पैदा कर लेते हैं। तो ये एक पावर जनरेशन का सस्ता तरीका है और न्यूक्लियर पावर में ऐसा नहीं है कि ये खत्म होने वाली है, इसमें बहुत कम फ्यूल लगता है और हर तरह से विकास के लिए न्यूक्लियर पावर के बहुत एडवांटेजेस हैं। न्यूक्लियर पावर कॉस्ट अबाउट सेम एज कोल, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कोई धुआं नहीं निकलता, प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फ्यूल, बहुत कम ईंधन से बहुत ज्यादा एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर से। तो आप लोगों ने आप लोग अगर देखें तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिका है, इन सब में ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर पावर से ही होता है। आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, मनुष्यों के लिए भी, और जहां पर भी ये लीकेज होता है वहां पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है।
1986 रूस में यूक्रेन में चेर्नोबिल में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 50 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए थे, और उसके अलावा इस रेडिएशन से कैंसर की बीमारी होती है, तो उस कैंसर से 4000 लोग और मर गए। इसी तरह अमेरिका में कुल मिला के अब तक टोटल 99 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जिसमें से करीब 57 एक्सीडेंट सिर्फ अमेरिका में हुए हैं। तो ये एक्सीडेंट्स बहुत खतरनाक होते हैं। उसके अलावा जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है, हाईली रेडियो एक्टिव होता है, तो वो उसको बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में सील करके समुद्र में डाल देते हैं या फिर कहीं बहुत गहरे गड्ढे करके दबा देते हैं। लेकिन इसकी रेडियो एक्टिविटी हजारों सालों तक बनी रहेगी, तो इन हजारों सालों में कभी भी कहीं पर भी लीक हो गया तो वहां पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में इस तरह के एक लीकेज की खबर अखबार में छपी थी। तो वेस्ट डिस्पोजल भी इसका बहुत मुश्किल है। इसी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का पूरी दुनिया में काफी विरोध हो रहा है, खासतौर से जो फुकुशिमा में एक्सीडेंट हुआ लास्ट, उसके बाद से। तो उसके बाद से ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में इन लोगों ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि हम न्यूक्लियर पावर बंद कर देंगे। जैसे स्विट्जरलैंड में उनकी 40% जो पावर है वो न्यूक्लियर पावर है, और उन्होंने डिसाइड किया कि 2034 तक वो इसको न्यूक्लियर पावर बिल्कुल हटा देंगे अपनी कंट्री से। इसी तरह से जर्मनी में करीब 20,000 मेगावाट जनरेशन जो है उनका न्यूक्लियर से हो रहा है, जो कि वो 2022 तक बंद कर देना चाहते हैं। इसी तरह से बेल्जियम में 2025 तक उनका 55%, आधे से ज्यादा जनरेशन न्यूक्लियर पे डिपेंडेंट है, तो वो इसको खत्म करना चाहते हैं। इसी तरह फ्रांस में काफी न्यूक्लियर है जो कि वो हटाना चाह रहे हैं। धीरे धीरे एक के बाद एक सारी कंट्रीज, हमारे इंडिया में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कुदानकोलम करके तमिलनाडु में जो पावर प्लांट बन के तैयार है, लेकिन वहां के लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है अभी तक। तो उस प्रोटेस्ट के पीछे यही डर है कि अगर लीकेज हुआ तो आसपास के जितने लोग आसपास रहते हैं उन सब के लिए काफी हानिकारक परिणाम होंगे उसके। रिन्यूएबल एनर्जी में जो सबसे प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो सबसे सेफ है। इसमें नदी पे हम एक बांध बनाते हैं और वहां पानी रोकते हैं, तो पानी का स्तर ऊपर चलता चला जाता है, और नीचे हम एक पेनस्टॉक लगाते हैं, तो यहां पे पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। तो काफी प्रेशर के साथ हम एक वाटर टर्बाइन पर इस पानी को छोड़ते हैं, तो ये पानी जब वाटर टर्बाइन से जाके टकराता है तो टर्बाइन घूमने लगती है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस यांत्रिक ऊर्जा से हम जनरेटर के शाफ्ट को घुमाते हैं, ठीक है, तो वहां पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो इस तरह से बिजली जनरेट करते हैं। ये देखिए, ये टर्बाइन है, इसके ऊपर पानी डालते हैं तो ये टर्बाइन घूमती है, और इस टर्बाइन को घूमने से जनरेटर का रोटर घूमता है और बिजली उत्पन्न होती है। पहाड़ी नदियों पे खासतौर से इस तरह का पावर प्लांट बहुत आसानी से जाता है, जिसमें पहाड़ के ऊपर रिजर्वायर होता है, और ये पेनस्टॉक कहते हैं, पाइप्स हैं जिनके थ्रू पानी ग्रेविटी से नीचे आता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रेशर बढ़ता चला जाता है जब ऊपर से पानी नीचे छोड़ते हैं, और ये जाके सीधे टर्बाइन में टकराता है। ये एक और है जहां पे बांध बनाया हुआ है, उस बांध से हम प्रेशर से पानी छोड़ते हैं टर्बाइन पे। तो इसके एडवांटेजेस बहुत ऑब्वियस हैं कि एक बार आपने बांध बना लिया, डैम बना लिया, तो एनर्जी फ्री है, पानी का कोई पैसा नहीं लगता, कोई ईंधन इसमें यूज नहीं होता, कोई वेस्ट नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, किसी तरह का धुआं नहीं है, कोई गैसेस एमिशन नहीं होती हैं, और विंड और सोलर से ज्यादा रिलायबल है ये। एक और तरीका बिजली उत्पन्न करने का टाइडल पावर का है, जिसमें हम लहरों को यूज करते हैं, खासतौर से ज्वार भाटा पे। आप लोगों को मालूम है कि रोज पृथ्वी और
सूर्य और चंद्रमा इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं उसकी वजह से समुद्र में ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। करीब 10 घंटे तक ज्वार और भाटे की लहरें रोज रहती हैं। उन लहरों में गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं टाइडल पावर प्लांट्स में। ये एक उस तरह का पावर प्लांट है। तो जब लहर चलती है, देखिए ये, देखिए ये यहां पे टर्बाइंस लगी हुई हैं। तो जब लहर चलती है तो ये टर्बाइंस घूमती हैं और इन टर्बाइंस से अल्टरनेटर का रोटर कनेक्टेड रहता है। तो जब ये टर्बाइंस घूमती हैं तो वो रोटर टर्न करता है और बिजली उत्पन्न होती है। ये एक और तरह की वो टर्बाइन है। तो ये टाइडल बैराज बोलते हैं। टाइडल बैराज जो है एक बहुत बड़ा डैम होता है। ह्यूज डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एस्टुअरी। रिवर एस्टुअरी जहां पर नदी समुद्र से मिलती है उसको बोलते हैं। तो वहां पर उस नदी का पार्ट बहुत चौड़ा होता है और फ्लो हमेशा बना रहता है, नदी नदी में से समुद्र की तरफ, और जब ज्वार आता है तो समुद्र से नदी की तरफ, दोनों तरफ फ्लो हमेशा बना रहता है इसमें। तो वहां पर ये इस तरह के टाइडल पावर प्लांट्स लगाकर भी बनाते हैं। बस इसमें एक ही डिसएडवांटेज ये है कि एडवांटेजेस तो वही है कि कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, कोई कॉस्ट भी कम रहती है, लेकिन ऐसे लोकेशंस हमारे पास कम होती हैं जहां पर हम इस तरह का टाइडल पावर प्लांट बना सकें। और यहां पर लहरें करीब 10 घंटे ही रहती हैं पूरे दिन में, तो 10 घंटे पावर जनरेशन होता है, बाकी 14 घंटे पावर जनरेशन नहीं हो पाता है। एक और बहुत बढ़िया तरीका पावर जनरेशन का विंड पावर है। आप लोग अगर साउथ की साइड में गए हो तमिलनाडु में तो हो सकता है आप लोगों ने ऐसी विंड टर्बाइंस भी लगी हुई देखी होंगी। ये काफी बड़ी बड़ी टर्बाइंस होती हैं। तो ये हवा से चलती हैं और हम जानते हैं कि हवा हवा क्यों चलती है। सूरज की गर्मी से जब हवा गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, वो हवा ऊपर जाती है, उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा वहां पर आती है। तो इस तरह से हवा चलती है और जब हवा चलती है तो हवा ये ब्लेड्स घूमते हैं, टर्बाइंस घूमती हैं और इनके शाफ्ट से हम जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं, अल्टरनेटर के रोटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा हवा से आती है इसमें, उस यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये जमीन पर भी लगाते हैं, आजकल ये समुद्र के अंदर भी लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे जर्मनी है, जर्मनी में विंड टर्बाइन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वहां पर जो 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 लोग पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं उनका कहना है कि उससे पर्यावरण दूषित प्रदूषित होता है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जब पंखा चलता है तो इसकी हल्की सी आवाज होती है। ये पंखा बहुत बड़ा होता है, ये करीब आप समझिए कि इसका जो डायमीटर होता है ये करीब 25 से 50 मीटर डायमीटर होता है। आप लोग 100 मीटर की रेस लगाते हैं बस स्पोर्ट्स में, 50 मीटर की भी रेस होती है, तो आपको अंदाज होगा कि 50 मीटर कितना होता है। इतने बड़े बड़े इसका इसका डायमीटर होता है इस पंखे का, इतने बड़े फैंस होते हैं ये। तो हमेशा एक नॉइस उस एरिया में बनी रहती है जिससे कहा जाता है कि आसपास के लोगों के कान इफेक्ट हो जाते हैं। तो आजकल इसको जमीन पे लगाने का, लैंड पे ये लोग नहीं लगाने दे रहे हैं, तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ये लोग समुद्र में ले जाकर लगाते हैं ये पावर प्लांट्स और वहां से बिजली बनाकर अंदर ले आते हैं। और इससे आप बाकी जो नुकसान है कि चिड़िया मर सकती हैं और टेलीविजन रिसेप्शन इफेक्ट हो सकता है, इस तरह के कुछ छोटे मोटे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट इसमें भी कोई प्रदूषण नहीं होता। एक और साधन है जियोथर्मल पावर। हम जानते हैं कि भूगर्भ में, पृथ्वी में अगर आप नीचे चलते चले जाएं तो चट्टाने हैं और वो चट्टाने बहुत गर्म होती हैं। तो कुछ स्थानों पर वो ड्रिल करते हैं, ये करीब 4000 से 6000 मीटर तक का होल ड्रिल करते हैं, दो होल्स ड्रिल करते हैं जो कि चट्टानों तक जाता है, 4000 मीटर मतलब करीब 4 से 6 किलोमीटर गहरा।
और इस होल में पानी डालते हैं, तो ये पानी जब नीचे जाता है तो वहां इतनी गर्मी होती है कि वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, स्टीम में। उस स्टीम को ये दूसरे होल से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टीम बनाने के लिए हमें कोयला यूज नहीं करना पड़ा, किसी तरह का कोई ईंधन नहीं यूज करना पड़ा, बस एक छेद से पानी नीचे डाला और दूसरे छेद से वाष्प को बाहर निकाल लिया, स्टीम को, और उस स्टीम से स्टीम टर्बाइन चलाकर हम बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये एक जियोथर्मल पावर है, ये भी अमेरिका में कुछ जगहों पर ये प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन जहां पर इस तरह की चट्टाने होती हैं वहीं पर ये प्लांट लग पाते हैं। तो अभी तक दुनिया में 8-10 ही ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई हो पाई हैं जहां पर जियोथर्मल पावर काम कर रही है, हर जगह ये लगाना मुश्किल है। अब हम आते हैं सोलर एनर्जी पर। जो सौर ऊर्जा हम सूर्य से प्राप्त करते हैं वो करीब 174 पेटावाट एनर्जी होती है। पेटावाट इज 10^15 वाट्स, तो ये काफी ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है। इसमें से करीब 90 पेटावाट 89 पेटावाट तो लैंड जमीन में और ओशन में एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी सब वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एनर्जी, मोर एनर्जी इन 1 आवर देन द वर्ल्ड यूज्ड इन द ईयर, मतलब पूरी दुनिया एक वर्ष में जितनी ऊर्जा, पूरी दुनिया की जितनी ऊर्जा की खपत है उतनी ऊर्जा एक घंटे में हमें सूर्य से मिलती है। बस ये और बात है कि हम उस ऊर्जा को रूपांतरित करके यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी उतनी अच्छी तरह से। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज सो वास्ट दैट इन 1 ईयर इट इज अबाउट ट्वाइस एज मच एज विल एवर बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल ऑफ अर्थ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम कंबाइंड। पृथ्वी पर जितना कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस और यूरेनियम है उन सबको मिलाकर हम जितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसका डबल अमाउंट हमें एक साल में सौर ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। सौर ऊर्जा मतलब सूरज से हमें इतनी ज्यादा ऊर्जा मिलती है जिसको हम अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स हैं जो एक तरीका है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे सीधे परिवर्तित करने का। तो ये 1839 में अलेक्जेंडर एडमंड बैकरल ने सबसे पहले फोटोवोल्टाइक इफेक्ट डिस्कवर किया था, जिसमें उसने बताया कि जब कुछ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर जब फोटॉन्स पड़ते हैं, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो पहला फोटोवोल्टाइक सेल बेल लैब्स में बनाया था वो 1954 में बनाया था, और ये उस समय जब स्पेसशिप्स डिजाइन हो रहे थे, क्योंकि स्पेस में हम ऊर्जा का कोई साधन यहां से लेकर नहीं जा सकते, तो उन लोगों ने उसके लिए ये सोलर सेल डिजाइन किए थे कि स्पेस में भी सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है तो वहां पर हम सौर ऊर्जा यूज कर सकते हैं। तो उस समय ये बहुत महंगे थे, 1970 में करीब $100 पे एक वॉट का पैनल बन सकता था, जो आज की डेट में करीब $2 मतलब सौ रुपए से भी आजकल सस्ता हो गया, 50 से 70 रुपए के बीच में एक वॉट कैपेसिटी हमें मिल जाती है आजकल। तो सोलर सेल, ये एक सोलर सेल है, और ऐसे कई सेल्स को मिलाकर हम एक सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, और उस मॉड्यूल को कई प्रोटेक्टिव लेयर्स के बीच में हम बंद करके एक पूरा फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल बनाते हैं। अभी हम आपको ऊपर ले जाकर दिखाएंगे फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल। तो इसमें ये जो सूरज की रोशनी सोलर पैनल पे पड़ती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस विद्युत ऊर्जा से हम बैटरीज को चार्ज करते हैं, ठीक है। और बैटरीज को चार्ज करने के लिए हम एक चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, और इस बैटरी से हम इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं, और इन्वर्टर बैटरी में डीसी
आप लोगों ने डीसी और एसी पढ़ा है, डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट। तो जो फोटोवोल्टाइक सेल में जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वो डीसी होती है, ठीक है। उस डीसी से हम बैटरीज को चार्ज करते हैं, बैटरीज भी डीसी होती हैं। लेकिन ये जो पंखे और लाइट हम यूज करते हैं ये सब एसी से चलते हैं। तो इन्वर्टर होता है एक डिवाइस, इन्वर्टर में हम डीसी से एसी में कन्वर्शन करते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर बैटरी से कनेक्टेड रहता है, वो यहां से डीसी सप्लाई लेता है और उसको एसी में कन्वर्ट करके हमें देता है। उस एसी से हम ये जो जितना फैन और यहां पर जितने चीजें चल रही हैं ये सब सोलर से ही चल रही हैं। यहां ऊपर 6 किलोवाट का एक सोलर प्लांट लगा हुआ है और उसी से ये सारी चीजें चल रही हैं इसमें। तो इस तरह के कई मॉड्यूल्स को सीरीज में जोड़कर हम एक पूरा पावर प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी है, ये इन्वर्टर है, बैटरीज और ये सोलर पैनल। तो सोलर पैनल से जो बिजली उत्पन्न होती है उससे बैटरी चार्ज होती है, बैटरी से इन्वर्टर कनेक्टेड है, इन्वर्टर एसी बनाकर देता है जिससे हम अपने लोड चलाते हैं, जिससे हमारे पास बिजली आती है। अब दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गुरु महाराज के आदेश से यहां पर 500 किलोवाट सोलर प्लांट लगाया हुआ है। तो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में ऐसी अकेली यूनिवर्सिटी है और अनोखी यूनिवर्सिटी है जो कि पूरा सोलर से चलती है। जब सोलर नहीं होता है बादलों की वजह से या बारिश वाले मौसम में या सर्दियों में फॉग की वजह से, सिर्फ तभी हमको जो टोरेंट से पावर खरीद के यूज करना पड़ता है। अदरवाइज जब जैसे क्लियर डेज होते हैं तो हमारे पास सोलर जनरेशन इतना है कि पूरी यूनिवर्सिटी हमारी सोलर पे चलती है। तो बाहर बिजली आए चाहे जाए हमें पता नहीं लगता, हमारे यहां बिजली नहीं जाती है, ठीक है। तो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा अकेला इंस्टीट्यूट है, अकेली यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलती है। तो यहां पर देखिए, ये हमारा एक सैटेलाइट व्यू है अपने इंस्टीट्यूट का। तो इसमें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में 150 किलोवाट का एक प्लांट लगाया हुआ है, उससे ये पूरा एरिया हम कवर करते हैं। ये देखिए फोटोवोल्टाइक पैनल्स का फोटो है, वहां पर ये सारे पैनल्स लगे हुए हैं। ये बैटरीज हैं, बैटरीज में हम जो सौर ऊर्जा आ रही है उससे हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं डीसी, और उससे बैटरीज चार्ज कर लेते हैं। इन बैटरीज से इन्वर्टर कनेक्टेड रहता है, ये इन्वर्टर रखा हुआ है, और इस इन्वर्टर से एसी में कन्वर्ट होकर हमको मिल जाती है बिजली। जो बैटरीज हैं वो भी ट्रांसपेरेंट हैं। आप लोगों ने जो बैटरीज देखी होंगी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, उसमें अंदर इलेक्ट्रोलाइट और प्लेट्स वो सब नजर नहीं आती है। लेकिन यहां जो बैटरीज हमने लगाई हैं ये सारी ट्रांसपेरेंट हैं, आप अंदर सब देख सकते हैं। इससे मेंटेनेंस आसान रहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाए तो उसमें डिस्टिल वाटर भरना होता है, और अगर प्लेट्स खराब होंगी तो भी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। फिर एक और प्लांट है यूसिक पर, यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, वहां पे 100 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, ये वहां के फोटोग्राफ्स हैं। फिर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 40 किलोवाट का लगा हुआ है, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एक और 40 किलोवाट का प्लांट लगा है, फैकल्टी ऑफ साइंस में 150 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, और ये वहां के फोटोग्राफ्स हैं। ये इन्वर्टर का अंदर का व्यू है, और ये बैटरीज हैं साइंस में, और ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस यहां पर 40 किलोवाट का। तो इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी कवर्ड है हमारी, इस तरह के 7 पावर प्लांट लगे हुए हैं जिससे हमारी सारी यूनिवर्सिटी कवर्ड है। ये वहां के फोटोग्राफ्स हैं। और दयालबाग में जो सबसे पहला प्लांट लगा था वो सत्संग हॉल में लगा था, आप सबने देखा होगा पैनल्स, और वहीं पे नीचे बैटरी रूम है जहां पर ये 3 इन्वर्टर्स हैं, ये सारी बैटरीज हैं, और ये पैनल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर टोटल 150 पैनल लगे हैं, और यूनिवर्सिटी में तो खैर अब हजारों में हो गए हैं पैनल्स हमारे पास। ये राजा बरारी में भी हम लोगों ने सोलर लगाया हुआ है, वहां पर एक ये वाईफाई टावर थी, तो वो रिमोट एरिया है, वहां पे पावर सप्लाई नहीं है, तो जो वाईफाई टावर होती है वो उसमें ऊपर ट्रांसमिशन के लिए
वाईफाई रेडियोज लगे होते हैं, तो उन रेडियोज को बिजली देनी होती है, तो उसके लिए सोलर पैनल लगाए गए थे। तो वो सोलर पैनल वहां पे चोरी हो जाते थे, उन्होंने सोलर पैनल लगाया, दो दिन बाद चोरी हो गया, फिर दोबारा लगाया वो फिर चोरी हो गया, क्योंकि सोलर पैनल बहुत महंगे होते हैं और ये जंगल है वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा नहीं है। तो इस बार हमने उन पैनल को टावर के ऊपर ही लगा दिया है वेल्ड करके, और उसके अलावा उसमें हमने शॉक फेंसिंग दे दी है, इलेक्ट्रिक शॉक फेंसिंग। तो अगर कोई भी इसको जाके छुएगा तो उसको 6 किलोवोल्ट 6000 वोल्ट का शॉक लगेगा तेज। तो उस शॉक से आदमी मरेगा नहीं, लेकिन उसको इतनी जोर से झटका लगेगा कि वो नीचे आ जाएगा। और उसके अलावा एक हूटर अलार्म भी बजेगा वहां पे जोर से, ताकि आसपास के लोगों को पता लग जाए कि कोई चोर आया है। तो पिछले 3 साल से किसी ने चोरी करने की कोशिश नहीं करी है इसको। इसके अलावा राजा बरारी में और टिमरनी में 20 किलोवाट का प्लांट लगे हुए हैं। वहां के हाई स्कूल में, वहां के हॉस्टल में, राजा बरारी में बिजली नहीं है, ठीक है, दिन में 2 घंटे करीब बिजली आती है बस। तो हॉस्टल वगैरह में लोग मोमबत्ती रख के पढ़ाई करते थे, तो जब से ये प्लांट लग गए हैं वो लोग आराम से लाइट में पढ़ते हैं। और उसके अलावा जितने वहां पे वाटर पंप्स थे वो सब डीजल इंजन से चलते थे। डीजल इंजन, डीजल महंगा भी है और प्रदूषण भी करता है, तो जब सोलर लगा दिया तो अब वो सारी चीजें सोलर से चलती हैं, तो वो सस्ता भी पड़ रहा है और कोई प्रदूषण भी नहीं हो रहा है उसमें। इसके अलावा ताजमहल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आसपास वहां पे होटल हैं, घर हैं, उन सब में डीजल जनरेटर्स यूज होते हैं। आगरा में टोरेंट पावर तो हमेशा ही चली जाती है, तो उसकी वजह से सब अपने डीजल जनरेटर चलाते हैं, उससे प्रदूषण होता है, और वो प्रदूषण ताजमहल की सुंदरता को कम कर रहा है, खराब कर रहा है, तो उसका रंग बदलता जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें DEI को भी इन्वॉल्व किया है, तो उसमें ताजमहल के चारों तरफ 500 मीटर के रेडियस में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सबको सोलर पावर देनी है, तो उस पर काम चल रहा है। तो फाइनली इसमें भी सोलर फोटोवोल्टाइक्स यूज होंगे।